हेलो दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी चावल के खीर की रेसिपी और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून घी डाल दिया और जैसे ही गर्म हो जाएगा घी, यहाँ पर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा काजू और मैंने यहाँ पर बादाम ले लिया है। थोड़ा सा इसको कलर चेंज होने तक भूनेंगे लो फ्लेम पर। थोड़ा सा जैसे ही भून जाएगा हम यहाँ पर ऐड करेंगे किशमिश। तो किशमिश को मैंने बाद में डाला क्योंकि ये जल्दी से पक जाता है, जल्दी से फूल जाता है, तो इसको हम बाद में डालेंगे। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर देख सकते हैं किशमिश अच्छी तरह से फूल चुका है। तो अभी इसको हम निकाल लेते हैं अलग से प्लेट पर। और इसमें थोड़ा सा घी बचा है देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे चीनी यानी कि शक्कर 2 टेबलस्पून और चीनी को लो फ्लेम पर हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। ऐसे करने से हमारा खीर में बहुत अच्छे से कलर, क्रीमीनेस जैसा कलर आ जाएगा। तो ये भून रहा है तब तक यहाँ पर हम चावल को वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने करीब 1/2 कप ये चावल ले लिया है, ये खीर वाला चावल है। तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। तो यह करीब 50 ग्राम का होगा, मैं ये ले लिया है। तो अभी इसको अच्छे से धो करके हम साफ़ कर लेंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जो शुगर था, चीनी था, वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और अच्छा सा कलर आ गया है। बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे नहीं तो जला हुआ टेस्ट आ जाएगा। तो ये चावल को मैंने धो करके साफ़ कर लिया, इसको हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। करीब 2 मिनट के लिए इसको भुनेंगे और जैसे ही हम चावल डालेंगे, ये जो चीनी था, मिल चीनी था, वो नीचे लग जाएंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है, ये आसानी से निकल जाएंगे। जैसे हम चावल को भूनते जाएंगे वो आसानी से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर भूनते भूनते मुझे 2 मिनट हो गया है और देख सकते हैं चावल में अच्छा सा कलर आ गया है। तो अभी यहाँ पर हम डालेंगे दूध। तो यहाँ पर करीब मैंने 1.5 लीटर उबला हुआ दूध डाल रही हूँ। अगर आप कच्चा है तो थोड़ा सा उबल करके इसको डाल लीजिए। मिक्स कर लेंगे इसको और लो फ्लेम पर कम से कम 40 से 45 मिनट तक चावल को अच्छे से पकने तक पकाएंगे हम। तो यहाँ पर करीब हमें 2 लीटर दूध चाहिए होगा, पर मैं यहाँ पर 1.5 लीटर दूध डाली हूँ और 1/2 लीटर में अमूल का मिल्क पाउडर मैं डालूंगी। आप चाहे तो 2 लीटर दूध डाल लीजिए या फिर थोड़ा सा मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो कच्चा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो 1/2 लीटर हम मिल्क पाउडर को हम घोल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया, ये 1/2 लीटर होगा। तो गर्म पानी डालिए, बिल्कुल भी ठंडा पानी का यूज़ मत कीजिएगा। और 1 कप यहाँ पर हम डालेंगे मिल्क पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर डालने से हमारे खीर में अच्छा सा क्रीमीनेस आ जाएगा। तो पर यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। तो अभी ये घोल को हम खीर में ऐड करेंगे। ये गर्म पानी से मैंने इसको बना लिया है और इधर देखिए हमारे चावल मतलब कि दूध उबलने स्टार्ट हो गया है। तो इसी स्टेज में हम डालेंगे अमूल का घोल को और इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से सारा मैंने यहाँ पर डाल लिया, मिक्स कर लेंगे इसको और लो फ्लेम पर हमें 40 से 45 मिनट तक पकाना होगा। अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, जैसे कि ये चावल अच्छी तरह से मतलब कि दूध में घुल जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तब तक इसको हमें पका लेना है। थोड़ा सा मतलब कि ओवर कुक करना है, ऐसे ही आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा देर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ और बीच बीच में इसको चलाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये नीचे लग जाएंगे। और ये पकते पकते करीब 1/2 घंटा हो चुका है और चावल यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि फूल चुका है, पर अच्छी तरह से ये पका नहीं है। अभी भी ये देख सकते हैं चावल अलग है और दूध अलग है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं रखना है हमें। थोड़ा सा ओवर कुक करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जैसे वैसे हमें पकाएंगे। अभी यहाँ पर फ्लेवर के लिए मैं 2 इलायची और 1 तेज़पत्ता डाल रही हूँ और थोड़ा सा केसर के धागे मैं डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और इसको और 1/2 घंटे के लिए पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। दूध और चावल यहाँ पर अच्छी तरह से घुल मिल जाना चाहिए, तब तक इसको हमें पकाना है। थोड़ा सा इसको ओवर कुक करना है, खड़ा खड़ा यहाँ पर चावल नहीं रहना चाहिए। तो इसको पकाते पकाते मुझे 1/2 घंटा हो चुका है और देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल चावल और दूध मिल गए हैं और ये थोड़ा सा मतलब कि ओवर कुक हो गया है, देख सकते हैं खड़ा खड़ा नहीं है यहाँ पर चावल, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इसका कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। देख सकते हैं थोड़ा सा गाढ़ा क्रीमीनेस का टेक्सचर यहाँ पर आ गया है। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है, अच्छी तरह से यहाँ पर पक गया है।
देख सकते हैं इसका थोड़ा सा पतला ही कंसिस्टेंसी रखिएगा। अभी हम लास्ट में डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। तो यहाँ पर आधा कप मैंने चीनी डाल दिया और थोड़ा सा मैंने मिठाई मेट डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर मिल्क बेड भी ऐड कर सकते हैं। तो मिठाई मेट को पूरा मैंने नहीं डाला, आधा डाला है। और ये भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स को भी हम यहाँ पर डाल लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से भी मिक्स कर लेंगे। तो चीनी हमेशा लास्ट में डालिए, नहीं तो पहले ही डाल देने से ये चिपकने लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो लास्ट में हमेशा डालिए। और ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। देख सकते हैं अच्छी तरह से पक चुका है, अच्छी तरह से चावल दूध के साथ मिल गया है और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और ये अच्छी तरह से मतलब कि कलर आ गया है। और देखिए कितना ऊपर में मतलब कि मलाई जैसे यहाँ पर जम गया है और काफ़ी अच्छा ये खीर बना है। तो इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा सा अभी गाढ़ा भी हो गया है, ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो उसी के हिसाब से आपको कंसिस्टेंसी रखना है। और किससे पता चलेगा कि ये पक गया है, तो देख सकते हैं करछुल में एक लेयर बन रहा है। तो इस तरीके से जब हो जाएगा समझ लीजिएगा ये पक चुका है। तो अभी इसको हम सर्व कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर आप अपने हिसाब से पर कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। मोटा है तो अब मोटा पसंद करते हैं तो थोड़ा मोटा कर लीजिए, पतला पसंद है तो थोड़ा सा पतला भी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। ऊपर से मैं थोड़ा सा पिस्ता सेव और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिया और तो कुछ केसर के मैंने धागे डाल दिए और बिल्कुल रेडी है ये। इस तरीके से आप बना करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। अगर रेसिपी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।